देखो यहाँ पर ये जो 100 प्लेस है और 10 प्लेस यूनिट प्लेस, यहाँ पर थोड़ा अलग से 100 प्लेस तो समझ आएगा, आ गया होगा कि 48 नंबर बनेंगे, तो यहाँ पे हर 2, 3, 4 एंड 5 की फ्रिक्वेंसी 12 होगी और इन सब का सम 168 है। अब क्वेश्चन ये है कि 10 प्लेस पे जो डिजिट्स आएंगे उनका सम कितना होगा और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स आएंगे उनका सम कितना होगा। तो इसको ऐसे सोच लेते हैं, लेट से कि 100 प्लेस पे मैंने रख दिया 2, ये 100 प्लेस पे 2 फिक्स कर देते हैं और टेंस और यूनिट प्लेस पे देख लेते हैं फिर। तो अब इस पे टेंस प्लेस पे कौन कौन आएगा बताओ? इस पे आएगा 0, 0 आएगा, 3 आ जाएगा, 0, 3, 4 एंड 5 आएगा ना, यही डिजिट आ सकते हैं, तो ये डिजिट आ सकते हैं। तो बाय द वे 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं कितने बाय द वे, और यूनिट प्लेस पे भी सेम नंबर आएगा 0, 3, 4 एंड 5। 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे बाय द वे, ध्यान से देखो, 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो यहाँ पे 4 चॉइस और यहाँ पे 3, मतलब 12 केसेस बनेंगे। 2 से स्टार्ट होने वाले 12 केस होंगे, तो 12 केस होंगे तो, और यहाँ पे 10 और यूनिट प्लेस में ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, तो हर एक डिजिट की फ्रिक्वेंसी क्या ये 3-3 होगी हर एक डिजिट, क्योंकि 4 है तो 12 को 4 से डिवाइड करें तो ये 3-3 फ्रिक्वेंसी होगी, 3-3 फ्रिक्वेंसी होगी सबकी। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा बताओ? 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो इन सब का 12 × 3, 12 × 3 = 36, 36 हो जाएगा सम, क्योंकि 0 3 बार आ रहा होगा, 3 3 टाइम्स आएगा, 4 3 टाइम्स, अरे तो इन सब का सम 36, यहाँ पे भी 36 सम आएगा। ये तब सम आएगा जब 100 प्लेस पे 2 होगा। यदि 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे यदि 110 यूनिट प्लेस, 100 प्लेस पे यदि 3 आ जाए तो फिर सम कितना होगा? तो 100 प्लेस पे यदि 3 आए तो 10 प्लेस पे आ जाएगा 0, 2, 4 एंड 5, और इन सब की फ्रिक्वेंसी 3 3 टाइम्स ही होगी, सिमिलर टू दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 5, 4, 9, 2, 11, 11 हो गया, 11 × 3 तो कितना हो जाएगा? 33। तो यदि 100 प्लेस पे 3 आता है तो इन डिजिट्स का सम 33 होगा, है ना, और ये कितनी बार आएगा? 12 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा। इन द सेम वे 33 आ गया। फिर यदि 100 प्लेस पे क्या मिले? 2 3 की जगह 4 मिल जाए, 100 प्लेस पे यदि 4 मिले तो यहाँ पर डिजिट्स का सम क्या क्या होगा? देखो 0, 2, 3 एंड 5, इन सब का सम देखो, 5 3 8, 8 9 10, और ये 3 बार आएगा, तो यहाँ पे 30 सम होगा। और यदि 100 प्लेस पे 4 की जगह 5 आ जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे जो सम मिलेगा बाय द वे कितना मिलेगा? 100 प्लेस पे यदि 5 आ गया तो यहाँ पे 0, 2, 3 एंड 4, तो इन सब का सम आ जाएगा 4 3 7 2 9, 9 × 3 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जब 2 है 100 प्लेस पे तो सम अलग है ना, 3 है तो सम अलग है, तो इन सब में सिचुएशन में क्या होगा कि ये जब सारे नंबर हो जाएंगे तो 10th प्लेस पे जो सम मिलेगा वो मिलेगा 36 + 33 + 30 + 27, और ये सम कितना है बताओ? सोच के बताओ ये सम कितना है, सोच के बताओ ये सम कितना है? 33 + 27 ये आ गया 60, 60 और 66, तो 126 आ जाएगा। देखो 33, 36, 30, 27, तो ये कितना? 10, 6, 16 और
बारह, 126 आ रहा है। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो 126 सम हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे जो सम आएगा वो भी सिमिलर टू है 10 और यूनिट प्लेस है 126। ये सिचुएशन आ रही है। तो सिचुएशन क्या हो गई कि 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स बन रहे हैं इस पे सम आ रहा है 168, यहाँ पे सम आ रहा है 126 और यहाँ पे 126 आ रहा है। तो इन डिजिट्स का सम इन टोटल कितना हो जाएगा? देखो ये 6 आ गया, 6 यूनिट प्लेस, 12 कैरी, 12 यहाँ ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ इन सब का सम? ये जो 12 है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना 8 आ गया, और यहाँ पे 13 कैरी, 13 यहाँ पे चला जाएगा, 13 ऐड कर देते हैं, 13 ऐड करेंगे तो 11 ये और ये 8 1। क्या यही आंसर आ रहा था? 18186 ये आंसर आ रहा है बच्चा साहब। देखो ध्यान से, थोड़ा ये अलग तरह का क्वेश्चन बन गया जीरो के आते ही, है ना? तो थोड़ा डील करना पड़ेगा इसको बच्चा आपको। 12 है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये टू यदि आ गया तो 12 नंबर होंगे जो टू से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो 12 टू से स्टार्ट, तो जो 12 नंबर होंगे वो फ्रिक्वेंसी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? 0, 3, 4 एंड 5 में, 0, 3, 4 एंड 5, है ना? 0, 3, 4 एंड 5। तो इन सब का सम कितना है? 0, 3, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 12 आ गया, और 12 × 3, 12 × 36 हो गया। ये सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन आ गया। क्या इतनी बात समझी क्या शार्प बच्चा अवनी रेवती हाँ सर, गौरव? और ये अलग है, अलग हटके है कंसेप्ट, है ना? मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, एक बार देख लो, क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो है ना उतना क्लियर हुआ नहीं मुझे लगता है। आंसर तो ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। हाँ देखो ये वाली प्लेस पे तो कोई दिक्कत है नहीं, 100 प्लेस पे कोई दिक्कत है क्या? टोटल 48 नंबर्स हैं, 48 नंबर्स है, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4 एंड 5 की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो 48 को 12 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ रहा है, हर एक की फ्रीक्वेंसी 12 आ रही है, और इन सब का सम 14 है, 14 × 12 करेंगे तो 168, तो मतलब 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम है 168। ऐसे ही हमें 10 प्लेस पे चाहिए और यूनिट प्लेस पे, तो अब चूंकि 0 होने की वजह से हम क्या करेंगे कि 100 प्लेस पे 2 को फिक्स करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे, और 10 और यूनिट प्लेस पे तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन बनेगी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे, क्योंकि टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आने हैं वो नंबर्स 2 को छोड़ के, मतलब 0, 3, 4 एंड 5, ये पॉसिबल नंबर आ सकते हैं, तो ये 4 पॉसिबल नंबर है, तो ऐसा सोचेंगे इन्हीं को पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनसे कितने नंबर बनेंगे? तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ 4 चॉइसेस है, यहाँ पे 3, मतलब 12 केसेस बनेंगे, और 12 केसेस ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 से स्टार्ट होने वाले 12 है, ठीक है? तो अब ये जो 12 है यहाँ पे हर एक की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, मतलब 0, 3, 4 एंड 5 हर एक की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 3 होगी। और तो एक काम करते हैं कि इनका सम कर देते हैं, इन सब का सम कितना है बताओ? 5, 4, 9, 3, 12, तो 12 × 3 36 आ जाएगा, मतलब 10 प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका सम 36 होगा जब 100 प्लेस पे 2 होगा। इन द सेम वे यूनिट प्लेस पे भी कितना आ जाएगा? सेम नंबर 36 सम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि टेंस और यूनिट प्लेस के साथ सिचुएशन सेम है। तो ये तब है जब 100 प्लेस पे 2 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे? 100 प्लेस पे 3 करेंगे, 100 प्लेस पे 4, 100 प्लेस पे 5। तो इस तरह से
सारे नंबर्स का सम हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और सेम वे में एक और केस में बना देता हूं कि 100 प्लस टेंस प्लस यूनिट प्लस 100 प्लस पे यदि 3 आता है तो अब यहाँ पे 10 और यूनिट प्लस पे 10 और यूनिट प्लस पे क्या क्या पुट अप कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं एंड 5 कर सकते हैं, 0, 2, 4 एंड 5। तो हर एक की फ्रिक्वेंसी 3 होगी इसमें भी, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाले 12 केसेस हैं, है ना। तो हर एक की फ्रिक्वेंसी 3, तो यहाँ पे देखो 2, 4, 5 और 0, इन सब का सम करते हैं तो कितना मिलेगा, 6, 5, 11, 11 × 3, क्योंकि हर एक की फ्रिक्वेंसी 3 टाइम्स है, है ना। तो ये 33 हो गया, 33। तो 3 से स्टार्ट होने वाले सम यहाँ पे 33, यहाँ यूनिट प्लेस पे भी सम कितना होगा, 33 आ जाएगा इस तरह से। तो हर एक का सम यहाँ पे 33, 36, ऐसे ही 4 से स्टार्ट होने वाले 5 से, तो उस तरह से आंसर आता है। कितना आंसर आया था बच्चा, वो याद है क्या किसी को? सर 126। नहीं, इन टोटल, टोटल सम कितना आया था, इसका आंसर, आंसर कितना आया था? 18186 ऐसा आ रहा था ना, ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका। तो अभी आप फिर से इसको देखना कि आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बाय द वे राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-digit इंटीजर्स, हाउ मैनी 4-digit इंटीजर्स कैन बी फॉर्म्ड with the set of digits a set of digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 such that no digit is repeated repeated and the resulting integer and the resulting integer 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 is a multiple of 3 multiple of 3 answer it answer karo how many 4-digit can be formed with the set of digit 0 1 2 3 4 and 5 such that no digit is repeated and the resulting integer multiple of 3, जो resulting integer है वो 3 का multiple है। तो कहने का मतलब, let's say ये 4 digit बना देता हूँ, D1, D2, D3, D4, ये 4 digit बना देता हूँ। तो ये unit place, tens place, 100 place and 1000 place ऐसा हो गया, और मैं यही number आ सकते हैं और मैं digits का repetition नहीं है, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल होने का मतलब है कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ये क्या है, क्या है कि ये सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे D1 D2 D4 का सिलेक्शन लेना जो जिनका सम 3 से डिविजिबल है। तो ये सम क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम सम कितना आएगा बताना, ये 5, 4, 9, 9 और 5,
मतलब मैक्सिमम सम 14 तक जा सकता है चार डिजिट का, और मिनिमम सम चार डिजिट का 6 हो सकता है। देखो ध्यान से, 6 आ सकता है। तो ये पॉसिबल सम क्या क्या हो सकता है जो 3 से डिजिट हो, ये पॉसिबल सम 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो ये कितना जा रहा है, 14 तक ही जा रहा है ना, तो 15 आएगी नहीं, क्रॉस ही नहीं। तो कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे आपको, कि पहला केस है कि जब सम जो है, द सम इज 6, कि d1 d2 प्लस d3 प्लस d4 का सम 6 हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती, क्या क्या पेयर बन सकते बताओ। चार डिजिट कौन कौन से हो सम जिसमें 6 हो, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है, 0, 1, 2 एंड 3। ये केस बन सकते हैं ना, 0, 1, 2, 3, ये चार डिजिट्स मिलेंगे देखने को जिनका सम 6 है। लेकिन ये जो चार डिजिट्स है, इन चार डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो आप नंबर बना लीजिए। तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 0 के अलावा और जो 3 नंबर हैं वो आएंगे, मतलब 3 चॉइसेस है। लेकिन जो नंबर आ गया यहाँ, तो 0 आ सकता है, तो अगेन यहाँ पे 3 चॉइसेस है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, 18 केसेस है ना। 18 केसेस है ऐसे नंबर जिनमें डिजिट्स का सम 6 हो। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब एक काम करते हैं, डिजिट्स का सम d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 ये ले लेते हैं 9। 9 सम आना, तो चार डिजिट कौन कौन से होंगे बताओ, जिस जब सम 9 आ जाए, तो सम 9 आना है। देखो यहाँ पे 6, 4, 10 हो जाएगा ये तो सम, 5, 3, 8 दोनों, हाँ 5, 0, 0, 1, 3 और 5 ये सब ले सकते हैं ना। देखो ध्यान से, 5, 3, 8, 9 हो गया। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 9 सम लेने की बताओ जल्दी से। क्या 0, 2, 3, 4 आएगा? 0, 2, 3, 4 आएगा, देखो ध्यान से, 0, 2, 3, 4, 5, 4, 9। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? थिंक अबाउट, चार नंबर लेना है जिनका सम 9 हो, 0 आ रहा है, 0 यदि नहीं लेते हैं तो सम 9 आएगा, 0 यदि नहीं लेते हैं तो, यदि ये सबसे छोटा सम की बात करें तो ये कितना जा रहा है, 4, 3, 7, 3, 10, तो 0 लेना ही पड़ेगा एक नंबर को, समझ आए। तो यही दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसमें इसमें कितना है, तो ये इसमें भी 0 है, तो ये ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो यहाँ पे कितना, ये इसके कितने टोटल केसेस बनेंगे, 18 प्लस 18 मतलब 36 केसेस बनेंगे। 36 केसेस हमें जब डिजिट्स का सम 9 होगा। एक और सिचुएशन बनेगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 d3 प्लस d4 इज इक्वल टू 12 सम आ जाए, तो 12 सम के लिए क्या क्या पॉसिबल पेयर बनेंगे सोच के बताओ, इसके लिए क्या क्या बनेगा पॉसिबिलिटी। देखो 5, 4, 9, 3, 12 और 1, 0 ऐसा ले लेता, तो 0, 3, 4, 5, 0, 3, 4, 5 इसके 18 बन जाएंगे है ना। और कुछ बन सकता है क्या? देखो यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9 4, 3, 7, 2, 9 और 0 0, 2, 3, 4 बस, नहीं 9 नहीं चाहिए, 12 चाहिए ना सर, 5, 4, 9, 3, 12 हाँ सम 12 चाहिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, और कैसे बन रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12 हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है ना, 1, 2, 4 एंड 5 9, 3, 12 ये पॉसिबिलिटी है। और कुछ इसके अलावा सोच के बताओ, नहीं यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो
यदि ये चार डिजिट है इसके तो 18 केसेस होंगे, प्लस यदि ये सिचुएशन है तो इसके केस कितने बनेंगे। यदि ये चार डिजिट है तो यहाँ पे चार चॉइसेस हैं, यहाँ थ्री, यहाँ पे टू इंटू वन, तो कितना हो जाएगा ये, चार थी 12 दूना 24, 24 केसेस, इसके 24 केसेस बनेंगे। सो इन टोटल कितने हो गए, 42 केसेस है, केसेस है 42 केसेस है, यहाँ पे 42, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आंसर जो आएगा 6 + 9 + 12 का सम, यहाँ पे 18 केस है, यहाँ पे 36 केस है, यहाँ पे 42 केसेस है, तो इन टोटल इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ रहा होता, 6 और ये 96 आंसर है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये समझ आया होगा इतना। तो बच्चा लोग आज इतना ही करते हैं इस क्लास में।